जय हिंद दोस्तों, और इस ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके क्रम में आज एक नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं, विटामिन्स। और विटामिन्स के संदर्भ में आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन्स के संदर्भ में तीन टॉपिक को बांटकर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। क्योंकि एक ही विटामिन्स के टॉपिक को यदि लगातार पढ़ा दिया जाए सभी को तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसको सेक्शन में बांट देते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो इसमें आज चर्चा करेंगे पार्ट टू की। और इस चर्चा को करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड और अन्य लोगों को भी क्या हो, इसका लाभ मिले, ताकि मेरी मेहनत सार्थक होगी। और इस बात को ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि वन टू द पॉइंट आपको ऐसे किताबों में रख कर सारी चीज़ों को बताया जाता है। किताबों से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बताते हैं इसमें, इसके संदर्भ में, क्योंकि ये जो समय का जो परिवर्तन होता है, एक समय था कि किताबों में लूसेंट से सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन मिल जाते थे, लेकिन थोड़ा सा और अपडेट होकर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और इसके क्रम में व्यक्तियों के कंपटीशन, विद्यार्थी जो होते हैं कम्पिटेटिव क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा तो नहीं करूँगा। विद्यार्थी तीन प्रकार के होते हैं, एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समय से आगे चलते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों को इंटेलिजेंट कहते हैं और अपनी सफलताओं को बहुत कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समय के साथ चलते हैं तो कुछ देर से सफलताओं को प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समय के पीछे चलते हैं, इसे महागधा कहा जाता है। तो इसके क्रम में आइए आप देखिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सक्रिय होकर इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इसके क्रम में आइए आप मूल टॉपिक पे आइए। तो इसके क्रम में बताए थे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील ए डी ई और के होते हैं, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं। तो अब एक की चर्चा करेंगे यहाँ में, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, इस पांचों विटामिन की मैं चर्चा पार्ट टू में करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि विटामिन्स को पढ़ने के क्रम में इनके आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, किन स्टेप से पूछे जाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका नाम होता है रासायनिक नाम, सबसे पहला क्वेश्चन होता है इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और इसे केमिकल नेम के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इनके सोर्सेज, और तीसरा जो होता है इनसे कार्य फंक्शन, और चौथा जो पॉइंट होता है रोग, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, डिजीज। यह चार बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी चर्चा, हर बिंदुओं की चर्चा हम एक एक पॉइंट पर कहें, जब विटामिन ए पढ़ाएंगे, डी पढ़ाएंगे, ई पढ़ाएंगे और के पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसका दूसरा रासायनिक नाम होता है बीटा कैरोटीन, इसका दूसरा जो रासायनिक नाम होता है बीटा कैरोटीन, ध्यान दीजिएगा, बीटा कई नाम होते हैं, एक होता है बीटा कैरोटीन, और इसी के बाद से इसका एक अन्य नाम और होता है दृष्टिवर्णक विटामिन्स, इसका एक नाम होता है दृष्टिवर्णक विटामिन, इसको विजुअल विटामिन्स कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है जीरो पैथेलेमिक विटामिन्स होता है। तो इस प्रकार से आपके किताबों में बस केवल रेटिनॉल ही मिलेगा, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल होते हैं। तो यह पहला स्टेप से आपसे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, डी का, ई का और के का। अब इसी के बाद से आता है दूसरा पॉइंट, स्रोत, यानी विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं। तो स्रोत के संदर्भ में बताए थे कि विटामिन जो होता है यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, विटामिन जो होता है यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, या इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे भोज्य पदार्थों के साथ पाई जाती है,
लेकिन इसके क्रम में यदि कहा जाए कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसमें विटामिन सी एक मिलते हों, इसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे भोजन में पाई जाती है, इसीलिए यह क्या होते हैं हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो अब आइए यहाँ पे स्रोत स्रोत की चर्चा करेंगे, विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं। इसके क्रम में यहाँ से स्रोत का अभिप्राय होता है, विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं गाजर, विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं गाजर होता है, आम होता है, पपीता होता है। ऐसे इनके आर्ट सीक्वेंस क्रम लीजिएगा, सबसे अधिक गाजर में, दूसरे आम में और तीसरा पपीते में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होते हैं यकृत, यह जो इनके विटामिन ए के स्रोत होते हैं, यकृत होता है, लीवर होता है, मांस होता है, दूध होता है, अंडा होता है, इष्ट होता है, इष्ट होता है। तो इनके बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनके स्रोत पाए जाते हैं, क्या होते हैं इनके मुख्य बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्या होता है गाजर में पाया जाता है, उसके बाद से आम में पाया जाता है, उसके बाद से पपीते में पाया जाता है। तो विटामिन ए के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा कि ऐसे फल जो पकने के बाद प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। यदि थोड़ा सा आपका माइंड डेवलप करके पढ़िएगा कि ऐसे फल जो पकने के बाद प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए के मुख्य स्रोत ऐसे फल जो पकने के बाद प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। तो इसी के कारण गाजर में एक पीले रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, इसी के कारण विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है बीटा कैरोटीन। और यह जो कैरोटीन होता है विटामिन ए होता है दृष्टिवर्णक, यानी देखने में सहायता करने का कार्य करता है। और देखने में सहायता करने का कार्य कैसे करता है, क्योंकि यह रेटिना के निर्माण में सहायक होता है। रेटिना क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, इस फिगर को आप परेशान न होइए, यह है क्या, वैसे तो थोड़ा इंडिकेशन आप जान गए होंगे कि यह है क्या, अभी बताऊंगा। तो इनके स्रोत हो गए, इसी के कारण इसे दृष्टिवर्णक विटामिन्स भी कहते हैं। और एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है जीरो पैथेलेमिक विटामिन्स के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद से तीसरा पॉइंट आता है इसके कार्य फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला रासायनिक नाम, दूसरा स्रोत होते हैं, तीसरा इनके कार्य होते हैं। तो इसके क्रम में कार्य होता है, अब ये समझेंगे कि यकृत यह कैसे प्राप्त होता है। तो इसके संदर्भ में हम बताए थे कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाए थे, तो इसमें बहुत सारे भोजन को हम ग्रहण करते हैं, यही भोजन सीधे कहाँ पे चला जाता है, यही भोजन मनुष्य के आंत में क्या होता है सीधे जाने के बाद से ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको बताए थे फर्स्ट वीडियो में, और यहीं से आंत होती है और भोजन डाइजेशन के बाद सीधे आंत में जाता है। तो यहीं से यकृत कोशिकाएं पीले रंग के वर्णों को ग्रहण करती हैं, यहीं से यकृत जो होता है हमारा लीवर होता है वह पीले रंग के वर्णों को ग्रहण करता है और रेटिना के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है, इसी के कारण इसे दृष्टिवर्णक विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसी की कमी से जो रोग होते हैं वह क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, चौथा पॉइंट होता है रोग। इसकी कमी से जो रोग होते हैं डिजीज होता है। तो इसमें रतौंधी इसको कहते हैं, रतौंधी रोग होता है, इसी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं रतौधी रोग के नाम से जानते हैं। और इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में सामान्यता आपको कॉन्सेप्ट मिला है कि रात में दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है कि यह जो होता है कि व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है, इसी को रतौंधी रोग के नाम से जानते हैं। इसी के बाद से जीरो पैथेलेमिक रोग होता है और इसी के बाद से कंजॉइंटा बहुत सारे रोग होते हैं, अभी इसके क्रम में हम बताएंगे। तो इस प्रकार से चार रूप से बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, रासायनिक नाम, स्रोत, कार्य और इनसे रोग। और यह दृष्टिवर्णक कहाँ पे पाया जाता है इसको ध्यान दीजिएगा, दृष्टिवर्णक के संदर्भ में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम आपको आगे बता दिए हैं
और यह क्या होते हैं, इसे दृष्टिवर्णक विटामिन के नाम से जानते हैं। और यह दृष्टिवर्णक देखने का कार्य कहाँ से होता है, आँख से होता है। और आँख के संदर्भ में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन इसी के कारण इसे दृष्टिवर्णक या विजिबल विटामिन कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि इसे दृष्टिवर्णक क्यों कहते हैं, दृष्टिवर्णक विटामिन, दृष्टिवर्णक विटामिन, वर्णक विटामिन, इसे विजिबल विटामिन, विजिबल विटामिन। तो यह विजुअल विटामिन होता है, यही जो विटामिन ए होता है रेटिना के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। अब यहाँ पूछेंगे कि रेटिना कहाँ पे होती है, तो रेटिना क्या होती है, मनुष्य की आँख का आंतरिक लेयर होता है, यही रेटिना होती है। ध्यान दीजिएगा ब्लू लाइन जो अंदर बना रहे हैं यही रेटिना होती है। और इसी रेटिना के संदर्भ में इसके निर्माण के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो यकृत इस रेटिना को निर्माण करता है, पीले रंग के वर्णक को ग्रहण करके यहां से रेटिना का निर्माण करता है और यही रेटिना होती है। और इससे टू द पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिएगा। मनुष्य की आंख होती है और मनुष्य की जो आंख होती है केवल यहां से लेकर और यहां तक यह 1/6 भाग ट्रांसपेरेंट होता है, शेष भाग अपारदर्शी होता है। और मनुष्य की आंख के मुख्यतः तीन लेयर होते हैं, जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है ध्यान दीजिएगा पहली लाइन होती है यह दृष्टि पटल होता है, पहली जो लाइन होती है दृष्टि पटल होता है, सॉरी इसे दृढ़ पटल कहते हैं, दृष्टि पटल नहीं सॉरी इसे दृढ़ पटल कहते हैं। पहली जो लेयर होती है वह दृढ़ पटल, दृढ़ पटल होता है। और दूसरा जो बीच वाला जो लेयर होता है जो रेड रंग का देख रहे हैं यह रक्त पटल होता है, दूसरा जो लेयर होता है वह रक्त पटल होता है, रक्त पटल। और तीसरा जो अंतिम ब्लैक लेयर होता है वह क्या होता है, वह दृष्टि पटल होता है, तीसरा जो लेयर होता है दृष्टि पटल। और इसी को रेटिना कहते हैं, इसी को रेटिना कहते हैं। और रक्त पटल, इस रक्त पटल यह इनके अलग 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 नाम होते हैं, इसको स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक होते हैं और यह कोराकॉइड होते हैं, कोराकॉइड्स होते हैं। तो यहां से आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मनुष्य के आंख का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए दृष्टि पटल होता है, रक्त पटल होता है और दृष्टि पटल होता है। तो सबसे अंदर की लेयर क्या होती है, दृष्टि पटल होती है और बाहर की जो लेयर होती है वह दृढ़ पटल होती है, बीच में रक्त पटल होता है। और यही रक्त पटल रेटिना जो होती है ध्यान दीजिएगा इतने भाग में आपको रेटिना दिखाई नहीं दे रही है, तो इसी के कारण इसी पर यहाँ पे क्योंकि यह नेत्र तंत्रिकाएं होती हैं, इसको क्या कहते हैं, नेत्र तंत्रिकाएं, यहाँ पे देखिएगा इसको नेत्र तंत्रिकाएं कहते हैं, नेत्र तंत्रिकाएं, इसी को ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और यह मस्तिष्क को ले जाने का कार्य करती है, ध्यान दीजिए कि यह मस्तिष्क में ले जाने का कार्य करती है। और इसी के स्थान पे एक विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसी में विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है, यह पीले रंग का होता है, यहाँ पे जो रेड आप दिखाई दे रहे हैं एक विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है, यह पीले रंग का होता है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु, इसको इंग्लिश में येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो पीत बिंदु होता है और जहाँ पे यह आपको यह ब्लू लाइनिंग नहीं देख रही है यह अंध बिंदु होता है, यह कौन सा बिंदु होता है, इतने भाग को ध्यान दीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग होता है इसी भाग को अंध बिंदु कहते हैं, इस भाग को यह रेड लाइन ब्लैक लाइन देखिएगा इसी को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनते हैं, अब इसको टू द पॉइंट क्वेश्चन हम बताते रहे और इसी के क्रम में, इसी के क्रम में यह जो लेंस होता है, यह जो होता है लेंस, एल ई ऐसे लिखिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा यह जो होता है लेंस होता है, लेंस होता है जो वस्तु किरणों प्रकाश को अंदर जाने देता है। और यह जो लेंस होता है एक विशेष प्रकार की नेत्र
श्लेष्मक पेशियों की बनी होती है, एक विशेष प्रकार की सिलियरी मसल्स होती है, ध्यान दीजिए, नेत्र को खिसकने नहीं देती है। इसी के क्रम में, इसी से रिलेटेड, यहीं से इसी लेंस के आगे एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, इसी को आयरिस कहते हैं। यह एक संरचना होती है, जो ब्लैक रंग को बता रहे हैं, यह एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, इसी को आयरिस कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है नेत्र में प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसी को आयरिस के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है पुतली होता है, इसी को क्या कहते हैं, पुतली, इसी को पुतली कहते हैं, प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं। और इसमें जो सबसे बाहरी कंडीशंस होती है, जो आगे लाइनिंग ब्लू देख रहे हैं, यह नेत्र श्लेष्मक होता है। क्या होता है, यह नेत्र श्लेष्मक, यह जो होता है सबसे बाहरी जो लेयर होती है, नेत्र श्लेष्मक, श्लेष्मक होता है, इसको इंग्लिश में कंजॉइंटा कहते हैं, कंजॉइंटा कहते हैं। यहां देखिए नेत्र श्लेष्मक होता है, और यह इसी के नीचे, यह जो बाहरी ब्लू लाइनिंग होती है इसे नेत्र श्लेष्मक कहते हैं, और इसी के अंदर जो ब्लैक लाइन होती है इसी को कॉर्निया कहते हैं, यहां से इसी को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। और नेत्रदान में इसी कॉर्निया का दान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, इसी को कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद आइस लैस होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ये आइस लैस होती है, और यह आँख को बाहरी चीज़ों से प्रवेश करने में, पढ़ने में सहायता करने का कार्य करता है। अब टू द पॉइंट देखिए, नेत्र का आकार गोल होता है, ऐसे गोल नहीं होता है, क्योंकि इसी में एक द्रव भरा होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर द्रव भरा होता है, इसी नेत्र के अंदर क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर द्रव भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर द्रव, ह्यूमर द्रव भरा रहता है, जो नेत्र को गोल आकार प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर इधर भरा रहता है, यहाँ से लेके यहाँ से इसके बीच में जो द्रव भरा था कॉर्निया के बीच में, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर द्रव भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर द्रव भरा रहता है, जो नेत्र को आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इसी के बाद से एक एक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स है, लंबा है, तो इसी के बारे में विटामिन ए से क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया, एक एक बिंदुओं को समझते हुए चलिए, तो यही नेत्र का आकार होता है, मनुष्य के नेत्र का आकार होता है। और सबसे पहला पॉइंट होता है कॉर्निया, सबसे पहला पॉइंट होता है कॉर्निया। तो यहाँ से पूछा जाता है नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया होती है, कॉर्निया होती है, ध्यान दीजिएगा, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। और इसी कॉर्निया को व्यक्ति को आई, इसी को नाम से आई डोनेट या नेत्रदान के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, इसको मरने के 4 घंटे बाद ही तक यह सुरक्षित रहती है, उसके बाद से 4 से 6 घंटे तक सुरक्षित रहती है। और इसी के बाद से होता है दूसरा पॉइंट होता है, एक एक क्रम में देखिएगा, यह दूसरा जो पॉइंट होता है नेत्र श्लेष्मक होता है, नेत्र श्लेष्मक, श्लेष्मक, इसी को कंजॉइंटा कहते हैं, कंजॉइंटा, और यह नेत्र के सबसे ऊपरी लेयर होती है। और इसी के बाद से यहाँ पे होता है आयरिस, इस जो ब्लैक रंग की संरचना देख रहे हैं इसका नाम होता है आयरिस, 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 इसका मुख्य कार्य होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, आयरिस, 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 इसका कार्य होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जैसे आप कभी भी जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो अपनी आंखें क्या करते हैं, ऐसे मूंद लेते हैं, और जब कम प्रकाश पड़ता है तो थोड़ा ऐसे खोल देते हैं, तो इसका कार्य होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, इस पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कि नेत्र में प्रकाश कब प्रवेश करता है, जब आयरिस का संकुचन होता है,
तो जब व्यक्ति के आगे कम प्रकाश पड़ता है या जब कम प्रकाश होता है तो यह आयरिस क्या होती है, संकुचित हो जाती है। लेकिन जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो यह आयरिस क्या होती है, फैल जाती है, जिसके कारण नेत्र में सीमित मात्रा में प्रकाश प्रवेश करे। और दूसरी चीजें होती हैं नेत्र में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा लेंस होता है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नेत्र का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, चौथा दृढ़ पटल होता है। नेत्र का सबसे जो बाहरी लेयर होता है यह दृढ़ पटल होता है। मध्य लेयर क्या होती है, रक्त पटल होता है। सबसे आंतरिक लेयर कौन सी होती है, दृष्टि पटल होती है। सबसे आंतरिक जो लेयर होती है वो क्या होती है, दृष्टि पटल। अब यहां देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, और इसी को रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में या मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसे बनता है, उल्टा एवं वास्तविक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसे बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा बनता है। कैसे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेंस पढ़ेंगे तो लेंस के बारे में हम बताएंगे। और मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि इसी में एक पॉइंट होता है पीत बिंदु। दूसरा पॉइंट होता है पीत बिंदु, इसमें तीन पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है पीत बिंदु। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पे बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, येलो स्पॉट। तो यह दूसरा क्वेश्चन होता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि मनुष्य की आंख के किस भाग में प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ध्यान दीजिएगा वह बिंदु होता है अंध बिंदु। वह कौन सा बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्यों नहीं बनता है, कि इसके पीछे से ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट क्यों होता है। यह जो रेटिना होती है और इस रेटिना से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने के लिए क्या होती है, एक विशेष प्रकार की तंत्रिका होती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। और तंत्रिकाओं का मुख्य कार्य होता है, जैसे आपके सूचनाओं को स्थानांतरण करने के लिए क्या होता है, केबल्स बिछाए जाते हैं। अब तो WLL आगे है, लेकिन इसके क्रम में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या होती है, तंत्रिकाएं होती हैं। और यह जो तंत्रिकाएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, चालक होती हैं, संवेदी होती हैं और मिश्रित होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसी के कारण यह नेत्र गोलक से इन संवेदनाओं को मस्तिष्क ले जाने के लिए ही तंत्रिका नेत्र गोलक को भेद कर निकलती हैं। और जब नेत्र गोलक को भेद कर निकलती हैं तो यह क्या होती है, यह जो रेटिना होती है वह नष्ट हो जाती है। जो रेटिना होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण इस भाग में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, किस भाग में, ब्लाइंड स्पॉट अंधबिंदु में बनता है। और इसी के बाद से बहुत सारे इस पे क्वेश्चन है टू द पॉइंट्स कि नेत्र में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, रेटिना में दो प्रकार के सेल्स पाई जाती है, एक रॉड होता है और दूसरा कोन होता है। तो जो कोन होता है वह तीव्र प्रकाश में कार्य करता है और रॉड जो होता है मंद प्रकाश में कार्य करता है। इसी के बाद से आप आता है कि एक रोग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा एक अन्य रोग हो जाता है, ग्लूकोमा रोग हो जाता है। क्या, कौन सा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा। और यह किसकी कमी से के कारण होता है, तो नेत्र में ब्लाइंडनेस के आगे एक दूसरा जो रोग होता है ग्लूकोमा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोमा रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, नेत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो रक्त नलिकाएं देख रहे हैं यहीं से क्या होता है, ग्लूकोज निकलने लगता है,
ग्लूकोज निकलने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण हृदयों का दाब बढ़ने लगता है और रेटिना क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपसे आई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के बाद से एक अन्य क्वेश्चन होता है दृष्टि दोष। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष इसी को आई डिफेक्ट। तो दृष्टि दोष का अभिप्राय होता है, किताबों में बहुत सारे परिभाषाओं को पढ़े होंगे, तो दृष्टि दोष का अभिप्राय होता है आंख में होने वाले दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत संक्षेप में बताने जा रहा हूं। एक होता है निकट दृष्टि दोष होता है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया कहते हैं, मायोपिया, और इसको हाइपरमायोट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि दोष का अभिप्राय आंख में होने वाले दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा, इस रोग में निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और दूरदृष्टि में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन किताबों में इसकी परिभाषा दिया गया है कि इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो बात तो वही हुई, चाहे आप ऊपर से चलिए चाहे वह नीचे से चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो दिखाई देता है वही दोष होता है। और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? उत्तल लेंस। और इसमें निकट में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है एक कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके क्रम में क्यों प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे संक्षेप में बता दे रहे हैं कि इसका अभिप्राय क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। क्या बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है, और दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो इसी के कारण इस दोष को निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विटामिन ए से संबंधित आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसी के क्रम में आपको अगला विटामिन होता है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी। इसके बाद से अगला विटामिन होता है डी। यह पहला विटामिन हुआ, और दूसरा विटामिन होता है विटामिन डी। और इसी का नाम होता है, विटामिन को संक्षिप्त में VIT से लिखते हैं, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेराल होता है। इसका नाम कैल्सीफेराल होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जो स्रोत होते हैं, इसके मुख्य कार्य होते हैं, स्रोत जो होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है, मांस होता है, पनीर होता है, यकृत होता है, इसके मुख्य स्रोत होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी पालक इसके स्रोत होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है, अस्थियों के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। और इसकी कमी से रोग हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। पहला रोग होता है रिकेट्स रोग। और यह रोग, रिकेट्स रोग जो होता है, यह बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इस रोग में हड्डियां क्या होती है, कोमल तथा कमजोर हो जाती हैं, और चोट लगने पर टूट जाती हैं। लेकिन एक दूसरा रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह रोग जो होता है वयस्क में विटामिन डी की कमी के कारण होता है,
एडल्ट में वयस्क की विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इस रोग में क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस रोग में जो श्रेणी मेखला होती है उसकी हड्डी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। और इसमें व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर ऐसे झुक कर चलता है। कैसे चलता है, ऐसे झुक कर चलता है। इसी रोग को ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं और यह वयस्क में होता है। तो यह दो अंतर होता है। और इसी से कंडीशन, इसी से रिलेटेड, इसी ऑस्टियोमलेशिया से रिलेटेड एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टियो जो पोरोसिस होता है वह पैरथ हार्मोन हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है, वो विटामिन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि अंश मेखला और श्रेणी मेखला के संदर्भ में दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अंश मेखला जो गर्दन फिट बैठता है, यह पूरा कंधा होता है, यह अंश मेखला होता है। और उसी के नीचे जो होती है जिसमें पैर की हड्डियाँ फिट बैठती हैं, वह श्रेणी मेखला होता है, पेल्विक गार्डलेस होती है, यही टेढ़ी हो जाती है। तो यह विटामिन डी की कमी के कारण, इसी को ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं। अब इसी के बाद से जो तीसरा जो विटामिन आता है, विटामिन ई, तीसरा जो विटामिन होता है विटामिन ई, इसकी इंग्लिश बार बार नहीं लिख रहे हैं, तीसरा जो होता है विटामिन ई, और इसी का नाम होता है, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेराल। विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेराल होता है, फेराल रुकू हेराल होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं विटामिन ए के, जो मुख्य स्रोत होते हैं, शुष्क फल अंकुरित गेहूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आता है, शुष्क फल अंकुरित गेहूं, दाल, चना, यकृत, मांस, मछली, दूध, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन ई के स्रोत होते हैं। और सभी में ध्यान दीजिएगा, विटामिन जितने भी पढ़ेंगे अधिकांश विटामिन जो दूध होता है, कामन भोज पदार्थ होता है, दूध, मांस, अंडा, मछली, ये कामन भोज पदार्थ होते हैं। और यह जो होते हैं निम्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। निम्न श्रेणी के जंतुओं में जनन ग्रंथियों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। जब इस विटामिन की कमी होती है तो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, छिपकली हुआ, चूहा हुआ, खरगोश हुआ, इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है। और जब जनन क्षमता कम हो जाती है तो इसमें एक रोग हो जाता है, बांझपन रोग हो जाता है, जिससे इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। विटामिन ई के कमी से बांझपन रोग हो जाता है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य में अभी इस विटामिन्स के प्रमाण नहीं मिले हैं। और इसी विटामिन्स को कहीं कहीं किताबों में आपको ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन्स। और ब्यूटी का अभिप्राय होता है कि सुंदरता, सुंदरता का अभिप्राय ये नहीं होता है कि क्रीम पोत लिए, पाउडर पोत लिए सुंदर बन गए। सुंदरता जो होती है वह आंतरिक सुंदरता होती है, आप अंदर से सुंदर हैं अपने। और ये आंतरिक सुंदरता कैसे आती है, आपके विचार अच्छे हैं तो आपकी आंतरिक सुंदरता स्वयं अपने आप सुंदर हो जाएगी। और जब सुंदर हो जाएगी तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक, चीज़ें आपको स्पष्ट सुंदरता दिखाई देती हैं। तो इसीलिए फेस पर क्रीम लगाने से सुंदरता नहीं आती, विचारों में शुद्धता लाइए, वो सौंदर्य का सबसे अच्छा कंडीशन मानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी कहीं की किताबों में कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया, इसलिए इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। किस विटामिन्स को ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं। अब इसी के बाद से जो चौथा विटामिन्स होता है विटामिन के, चौथा जो विटामिन होता है विटामिन के, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, विटामिन के। और इस विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन, इसका नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन यहां देखिएगा, इंग्लिश
इसका जो नाम होता है क्या, नेफ्थो क्यूनान होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में फिनो क्यूनान दिया है। तो लेकिन आगे बहुत डिटेल्स हम नहीं जा पा रहे हैं किसको, जब आगे आप पढ़ेंगे तो यह देखिएगा विटामिन के दो रूपों में पाया जाता है, एक K1 होता है, दूसरा K2 होता है। तो K1 जो होता है अधिकांशतः पौधों में पाया जाता है, इसीलिए इसे फाइलो क्यूनान के नाम से जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे नाम फिनो क्यूनान आ जाता है, यह जंतुओं में पाया जाता है। तो चूंकि वो भी नाम सही है, लेकिन हम यहाँ पे GS के पैटर्न को पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपका जो आंसर होगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेप्थो क्यूनान होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थो क्यूनान होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, इसके जो स्रोत होते हैं पालक, हरे पत्तेदार सब्जी, मांस, दूध, अंडे इसके स्रोत होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके, विटामिन के कार्य। यह जो विटामिन के होता है यह RBC एवं न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन जो होता है RBC और न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए कि रुधिर में दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक प्रोथ्रॉम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा दो प्रोटीन होती है, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन प्रोटीन होती है और इसे प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन प्रोटीन होती है जो रुधिर में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। इस चीज को जब ब्लड पढ़ा रहे थे तो ब्लड के दो भाग किए थे, एक प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसल, उसी में प्लाज्मा प्रोटीन था। तो एक प्रोथ्रॉम्बिन होता है, थ्रॉम्बिन प्रोटीन होता है और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है और यह रुधिर में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और यही जो दोनों प्रोटीन्स होती है, यही जो दोनों प्रोटीन होती है एक विशेष प्रकार का आयन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक विशेष प्रकार की कंडीशंस होती है, यह थ्रॉम्बिन प्रोटीन में सक्रिय हो जाती है। यह किस प्रोटीन में सक्रिय हो जाती है, थ्रॉम्बिन प्रोटीन, थ्रॉम्बिन प्रोटीन, यह जो होती है थ्रॉम्बिन प्रोटीन होती है यह सक्रिय हो जाती है, थ्रॉम्बिन प्रोटीन में सक्रिय हो जाती है। तो इनको सक्रिय करने का कार्य एक विशेष प्रकार का एंजाइम के द्वारा होता है, इसका नाम होता है प्रोथ्रॉम्बिनेज, प्रोथ्रॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रोथ्रॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार का आयन होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का आयन होता है, यहाँ देखिएगा कैल्शियम आयन होता है, ध्यान दीजिएगा कैल्शियम आयन होता है। और दूसरा जो होता है एक इसको विटामिन के होता है, एक होता है विटामिन के होता है और एक तीसरा कारक होता है कारक एट, एक होता है कारक एट, कारक एट होता है, इसको रोमन डिजिट में लिखते हैं, इसको इंग्लिश में फैक्टर, फैक्टर एट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही जो होता है रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। तो इसी के कारण विटामिन के को रक्त स्राव रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। इस विटामिन का एक दूसरा नाम होता है रक्त स्राव रोधी, रक्त स्राव रोधी विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। यह रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल्स कैसे करता है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड वेसल्स होती है और ये किसी कारण टूट जाती है चोट लगने पर, तो रुधिर बहना बंद हो जाता है, रुधिर बहने लगता है सॉरी। और यही जब रुधिर बहने लगता है तो इसी या हवा के संपर्क में आने पर ये क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, एक विशेष प्रकार के नेट के समान रचना बना देती है जिसके कारण रुधिर हवा के संपर्क में आने से 2 से 5 मिनट या 2 से 8 मिनट में, 2 से 8 मिनट के बाद रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो इसी के कारण विटामिन के को रक्त स्राव रोधी यानी रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। तो यहाँ से टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि वह कौन सा विटामिन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है, विटामिन के होता है और क्यों होता है। इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को जो बॉक्स में कर दे रहे हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह प्रोथ्रॉम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, ध्यान दीजिएगा
यकृत जो होता है विटामिन के की उपस्थिति में इसको सक्रिय करता है और रुधिर में छोड़ देता है, जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ से टू द पॉइंट, क्या होते हैं या रुधिर में किस रूप में होते हैं? निष्क्रिय रूप में होते हैं। या किस रूप में होते हैं? प्रोथ्रॉम्बिन, निष्क्रिय रूप में होते हैं। और यह कौन सी अवस्था होती है? सक्रिय अवस्था होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि वह कौन सा एंजाइम होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है? प्रोथ्रॉम्बिनेज एंजाइम्स होते हैं। अब इसी के बाद से यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा आयन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है? कैल्शियम आयन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब इसी क्वेश्चन को दूसरे रूपों में पूछा जाए, वह कौन सा विटामिन होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है? विटामिन के होता है। वह कौन सा कारक होता है जो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है? कारक 8 होता है। और रुधिर के अस्यंदन की क्रियाविद हॉवेल ने दिया था। इस प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के बाद से हम नेक्स्ट पार्ट्स में जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताएंगे। पार्ट 3 में बी और सी होते हैं, बी का नामकरण कैसे होता है, और इस प्रकार से ये विटामिन वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन समाप्त हो गए। और इस टॉपिक को, पार्ट 2 को हर एक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे ज़्यादा विद्वता की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बार फिर मैं कहूँगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लाभ अधिकांश आपके मित्रों को पहुँचे। और इस प्रकार से थैंक यू।